Hey guys, a very delightful afternoon and welcome to GoPro, which is powered by the Times of India Group. तो बच्चों आप सभी लोगों का स्वागत है GoPro पे एंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं एंड मुझे सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में एक बार आई लिख दीजिए फटाफट से राइट आई इनटू द चैट बॉक्स फटाफट से बिना रुके बिना थमे आई इनटू द चैट बॉक्स लिख देंगे राइट आई इनटू द चैट बॉक्स इफ यू आर एबल टू सी मी एंड इफ यू आर एबल टू लिसन टू मी जल्दी से दीपक दीपक रॉय सृष्टि संकल्प अनीश पूजा ग्रेट गाइज आई इनटू द चैट बॉक्स हर्षिता ग्रेट 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 नहीं एकदम एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट हुआ है चलिए बिल्कुल बिल्कुल मेंटी बच्चे होगा पहले पढ़ाएंगे फिर मेंटी होगा पढ़ाएंगे मेंटी ऐसे होगा कृतज्ञ हाय मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल बढ़िया हूं मैं बिल्कुल बढ़िया हूं बहुत सही हूं आई होप इवन यू गाइस आर फाइन एंड डूइंग रियली वेल अरमान राजहंस ग्रेट बच्चे सो आज क्या करेंगे सर भाई थॉमसन का मॉडल बहुत सस्ते में पढ़ाया जाता है आपको बहुत जल्दी से पढ़ाया जाता है लेकिन वो भी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है मतलब ऐसा हमें पता होना चाहिए चीजों के बारे में है ना तो आज इस एटॉमिक मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ माई सो यू आर सपोज्ड टू कॉल मी बच्चा लोग डी एस वी एच सर और सुनील सर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मी एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी अ क्यूट क्यूट फोटोग्राफ ऑफ माइन विद द गोप्रे ब्रांडिंग दैट ऑलवेज से गोप्रे आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद तो चलिए सर टाइम वेस्ट नहीं करते और हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से तो क्या पढ़ने वाले हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल एंड उसके ड्रॉबैक्स तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे इसको देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मजेदार बात यहां पर क्या है कि थॉमसन ने जो मॉडल प्रपोज किया था दैट वाज प्रपोज इन 1904 एंड दिस इज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल आप ऐसा कह सकते हैं दिस वॉज द वेरी फर्स्ट कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन This is a very first concrete representation of an atom. अच्छा अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर डेल्टन ने दिया था बेटा डेल्टन ने जो दिया था वो एटॉमिक थ्योरी थी एटॉमिक मॉडल नहीं था उन्होंने ये थोड़ी बोला कि एटम अंदर से कैसा दिखता है उन्होंने बस इतना बोला था एटम्स आर स्फेरिकल सॉलिड मासी पार्टिकल्स विच आर इनपेनिट्रेटेबल भाई उन्होंने तो ये बोला ना कि एटम इंडिविजिबल है एटम के अंदर कुछ भी नहीं है तो एटम तो एक गोल बॉल है जो कि मासी है उसको पेनिट्रेट करना इम्पॉसिबल है ये बोला था तो डेल्टन ने जो चीज दी वो था एटॉमिक थ्योरी थी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करती है और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन उन्होंने दिया था लेकिन वहां पर उन्होंने ये थोड़ी बताया कि एटम अंदर से कैसा दिखता है कि उनके हिसाब से तो इंडिविजिबल था ये तो हमें बाद में पता चला जब सब एटॉमिक पार्टिकल है कि वो डिविजिबल है तो इसीलिए एटॉमिक थ्योरी उनकी थी लेकिन यहां पर एटॉमिक मॉडल का सबसे पहला बढ़िया कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया मतलब उस टाइम के हिसाब से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दैट वाज गिवन बाय थॉमसन हिज फुल नेम वाज जे जे थॉमसन ठीक है जोसेफ थॉमसन कहते हैं इन्हें हम तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं दैट मॉडल वाज प्रपोज्ड इन 1904 एंड वाज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल तो स्टार्ट करते हैं अब उस टाइम पे सुनील सर हमें क्या पता था देखिए हमारे जो थॉमसन अंकल थे उन्होंने क्या इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था सॉर्ट ऑफ नॉट इन्वेंट ही डिस्कवर्ड एन इलेक्ट्रॉन और ये जो डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की ये 1897 में हो गई थी तो थॉमसन को यह पता था कि 1897 में मैंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है कैसे है नेगेटिवली चार्ज्ड है क्या है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है ये उन्हें पता था तो सर इससे आगे क्या पता चलता है देखिए जब वो एटम की बात करते हैं तो एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है मतलब इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए इक्विवेलेंट अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज था आप भी इतनी बात समझ सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस आदमी ने खुद इन्वेंट किया डिस्कवर किया और उसे पता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो वो कैसे न्यूट्रल होगा जब उसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट चार्ज वहां पर होगा तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा वरना तो नेगेटिवली चार्ज होता एटम ऐसा नहीं था तो यहां से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो है अब ये इसीलिए है क्योंकि जो मैग्नीट्यूड या फिर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो किसके इक्वल है वो नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के
इक्वल है, इसीलिए एटम जो है बच्चा लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। ये बात उन्हें पता थी। इस बेसिस पे इस आइडिया को समझते हुए कि देखो मैंने इलेक्ट्रॉन इन्वेंट कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, मतलब डिस्कवर कर दिए इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो एटम नेगेटिवली चार्ज नहीं है लेकिन वो न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा जिसका अमाउंट या मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये इनके बात दिमाग में आ गई थी। तो देखिए इसी से इन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं था किसी भी चीज का, जस्ट गिव अ रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस। तो क्या दिया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ कभी आपने ये दोनों चीजें देखी है? ये क्या है? ये आपकी क्रिसमस पुडिंग या फिर आप नॉर्मल पुडिंग जो होती है ना वो आपके पास ये है, और ये वाटरमेलन है। अब कितने बच्चों ने इसको देखा है फटाफट चैट बॉक्स में लिख देंगे आए, या फिर चैट बॉक्स में लिख देंगे और ओला काला लिख देंगे, फटाफट से लिख देंगे ओला काला, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओके। जल्दी से जिसने भी इसको देखा है फटाफट चैट बॉक्स को भर दो, राइट आई इनटू द चैट बॉक्स, जल्दी से आए। सबने देखा है? यस यस यस, बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल वही बात है। मैं वही रिलेट करवा के दिखाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, एकदम खतरनाक लेवल पे लेके जाएंगे इसको, ठीक है? ओला काला आए आए, ओला काला ठीक है, बहुत बढ़िया। ओला काला क्या होता है? ओके का फुल फॉर्म होता है बेटा ओला काला। अभी आपको पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं ओला काला क्या है, ओके का फुल फॉर्म है ये ओला काला, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओके, है ना? ग्रीक वर्ड है ओला काला जिसका मतलब होता है ऑल करेक्ट, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है। आईएएस के इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था, याद कर लीजिए। अब यहां पर आपने दोनों चीजों को देखा है, क्रिसमस की पुडिंग को भी देखा है, वाटरमेलन को भी देखा है। तो इसी चीज से थॉमसन के दिमाग में आया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डिस्कवर किया है, न्यूट्रल है मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो कहीं वो वाटरमेलन के जैसा तो नहीं दिखता होगा या कहीं क्रिसमस पुडिंग के जैसा तो नहीं दिखता होगा। ये एनालॉजी देखिए, उन्होंने देखा कि एटम ऐसा ही होता है, कैसा देखिएगा अभी समझिएगा। थॉमसन ने क्या बोला कि ये जो मॉडल है मेरा, ये जो एटम होता है वो किसके जैसा होता है? वो क्रिसमस की पुडिंग जैसा होता है या फिर वो वाटरमेलन के जैसा होता है, ठीक है? अब क्रिसमस की पुडिंग जैसे कि मैं यहां पे दिखा रहा हूं, मुझे नहीं पता आपको क्रोमा में ये सही से दिखाई देगी कि नहीं देगी, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये दिखाई दे, ये पुडिंग अगर आप लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है? तो ये मेरे हाथ में एक पुडिंग है, ठीक है ना, छोटा सा केक है, ये देखिए। अब इसमें क्या है बेटा, अभी थोड़ा थोड़ा काला काला हो जाता है, तो यहां पर इसके अंदर सीड्स है, ये देखिए मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं और ये खा भी ले रहा हूं, ठीक है ना? ये ड्राई फ्रूट जिसके अंदर डले हुए रहते हैं, ये देखिए मैं आपके सामने निकाल रहा हूं, ये केक है और मैं खा ले रहा हूं। तो मैंने थॉमसन अंकल के जो इलेक्ट्रॉन थे जो उन्होंने बोले वो खा लिए। अब समझिएगा बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। उन्होंने बोला कि अगर आप एक क्रिसमस की पुडिंग की बात करें तो पुडिंग में जो ये ईटेबल पार्ट है, जो बेक्ड पार्ट है, वो तो पॉजिटिव स्फीयर है, वो क्या है? पॉजिटिव स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है। इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या बोला उन्होंने? रेजिन्स, जिसको आप प्लम कहते हैं अंग्रेजी में। अब इंग्लिश का जो प्लम आप एक्चुअली में देखेंगे वो फ्रूट वो अलग है, पर बोला उसको रेजिन ही जाता है, ठीक है ना? प्लम देयर एक्चुअली मींस रेजिन, ठीक है? तो वो जो रेजिन है, जो रेजिन, अब रेजिन क्या होती है भैया? किशमिश, है ना? वो उसके अंदर डली हुई है, या ड्राई फ्रूट्स उसके अंदर डले हुए हैं। तो जो आपकी पुडिंग में जो बेक्ड पार्ट है वो तो पॉजिटिव स्फीयर है और उसके अंदर जो रेजिन्स है वो बेसिकली किसको डिपेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन को। तो एक एटम को अगर हम एनालॉजी लें पुडिंग के साथ, तो जो बेक्ड पार्ट है वो पॉजिटिव स्फीयर होगा एटम का और जो उसमें रेजिन्स डली हुई है वो इलेक्ट्रॉन्स को डिपिक्ट करेंगे, दोनों ही यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। इसको आप वाटरमेलन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जो रेड ईटेबल पार्ट होता है, रेड ईटेबल पार्ट जो होता है वो आपका पॉजिटिव स्फीयर है और ये जो काले काले सीड्स है वो आपके क्या है बच्चा लोग? इलेक्ट्रॉन्स है। भाई आपने वाटरमेलन तो सभी ने खाया है ना, तरबूज काटते हैं, तो जो लाल वाला पार्ट है पॉजिटिव स्फीयर होगा, रेड ईटेबल पार्ट इज द पॉजिटिव स्फीयर एंड द ब्लैक सीड्स व्हिच आर एम्बेडेड इन इट आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स। ये एनालॉजी देखिए, उन्होंने बोला कि एटम भी ऐसा ही दिखता है, उसमें एक पॉजिटिव स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, इस मॉडल का अनादर नेम क्या है? इस मॉडल को इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल,
ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल स्लैश इसको बोला जाता है वॉटरमेलन मॉडल। क्या बोला जाता है? वॉटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। प्लम यहां पर रिप्रेजेंट करता है रेजिन्स को, इट रिप्रेजेंट्स द रेजिन्स हियर और द ड्राई फ्रूट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पुडिंग। तो एक बार फिर से शॉर्ट में रीकैप करवा देता हूं। ये थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन ने बोला कि जैसे आपकी पुडिंग होती है और आपके पास वॉटरमेलन होता है, वॉटरमेलन का जो रेड ईटेबल पार्ट है ऐसा ही पॉजिटिव स्फीयर एटम में होता है, और जिस तरीके से सीड्स उसमें डले हुए हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटम में डले हुए होते हैं। ये एनालॉजी उन्होंने दी। तो इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वॉटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। अब इसके पोस्टुलेट्स फटाफट समझ लेते हैं, इसी को समझते हुए फटाफट से पोस्टुलेट्स पे आते हैं। तो उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए, सुनिएगा जल्दी से। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मैंने कभी नहीं बोला कि ये पार्टिकल बोला, उन्होंने कभी पार्टिकल नहीं बोला है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर बोला है, समझिए, मैंने ये नहीं बोला पार्टिकल, मैंने बोला स्फीयर। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, भाई एक पॉजिटिव स्फीयर है हमारे पास, ये मान लीजिए पॉजिटिव स्फीयर है, ये रहा पॉजिटिव स्फीयर, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। किस तरीके से एम्बेडेड है, जो मैंने आपको बताया, जस्ट लाइक अ वॉटरमेलन और जस्ट लाइक अ प्लम पुडिंग। दूसरी बात, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और इसी वजह से जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और ये बात आज भी सच है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। तो थॉमसन ने ये बहुत सही से डिफाइन करी, न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, ये एक आप अचीवमेंट भी मान सकते हैं कि भाई उन्होंने न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को डिफाइन करा, कि उन्होंने बोला कि मैंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए हैं और ये अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब ये नहीं बोला था कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन या ऐसा कुछ, बिल्कुल भी नहीं बोला था ऐसा, ठीक है। तीसरी बात जो उन्होंने बहुत ही तगड़े तरीके से कही, सुनिएगा, उन्होंने कहा कि जो मास है एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी तरीके से। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब क्या है कि जो, अब जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपना, ठीक है ना, आपका जो यहां पर उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, तो जब उसमें चार्ज टू मास का रेशियो निकाला था तो उन्होंने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि हाइड्रोजन एटम से 1837 टाइम्स मास उसका कम है। तो वहां से उनको ये पता चल गया था कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो तो बहुत कम है, और जो ओवरऑल मास होता है वो पॉजिटिव स्फीयर की वजह से होता है, और वो पॉजिटिव स्फीयर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, चारों तरफ प्रेजेंट है, चार्जेस भी यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। अब पॉजिटिव स्फीयर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, चार्जेस यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, तो जो ओवरऑल मास होगा एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चारों तरफ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। सो द मास ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज पॉजिटिव स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए आपका जो एटम का मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आगे चल के इसको गलत प्रूव कर दिया रदरफोर्ड, अगर आपको रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पर उन्होंने बताया था कि पूरा मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो ये चीज उससे अलाइन नहीं कर पा रही थी, ये चीज अलाइन नहीं कर पा रही थी। तो पहला, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, बच्चा लोग, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और जो मास है एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चारों तरफ हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो पॉजिटिव स्फीयर है या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इस वजह से मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये उनके कहने का मतलब था, ठीक है। अब अगर इतनी बात सभी को समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में एक बार आई लिख देंगे, सुनील सर हमको समझ में आ रही है, राइट आई इन टू द चैट बॉक्स, राइट आई इन टू द चैट बॉक्स, बिल्कुल बेटा, वो तो आगे चल के पता चला ना अरमान, वो तो आगे चल के पता चला कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, और इन्होंने तो प्रोटॉन टर्म यूज भी नहीं किया था। अगर आपने मेरा सेकंड वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था 1920 में उस वर्ड को असाइन किया गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। मैं आपको सारी चीजें और भी बताऊंगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें आपको मेरे क्लास में बहुत मिलेगी। मैंने कल भी बताया था थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज मिला था, रदरफोर्ड को 1908 में मिला था, एंड आपके जेम्स चैडविक को 1935 में मिला था। जे जे थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के स्टूडेंट जेम्स चैडविक, ठीक है। चलो तो अब थोड़ा सा ड्रॉबैक ड्रॉबैक पे खेल लेते हैं, फिर मेंटी खेलेंगे, पूरा क्विज फिर जो हमारा सेशन होगा मेंटी मेंटी का खेल चलेगा,
ठीक है। तो ड्रॉबैक्स क्या आते हैं सुनील सर, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के, सुनिए उसके बाद मेंटी का खेल चालू करेंगे अपन। तो सबसे पहले देर वॉज नो डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन अबाउट द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियॉन्स, कुछ भी डिटेल। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या था कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो ना न्यूक्लियॉन्स के बारे में कोई बात की गई, ना न्यूक्लियस के बारे में कोई बात की गई, एंड देर वॉज नो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वॉट एवर ही वॉज स्टेटिंग, कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था जो भी वो कह रहे थे उस चीज का, कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उनके पास स्ट्रॉन्ग लेजिट एविडेंस या वेरिफिकेशन नहीं था। पहला ड्रॉबैक ये। सेकेंड ड्रॉबैक क्या था, जब रदरफोर्ड ने और उनके स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स कौन थे, गिगर मार्क्स, हैंस गिगर एंड अर्नेस्ट मार्क्सडन, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1908 से 1913 तक जो एक्सपेरिमेंट चले थे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जब वो एक्सपेरिमेंट हुए तो उस स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये डिफाइन नहीं कर पाया भाई, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये मॉडल डिफाइन नहीं कर पाया। ये कह रहा है कि मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब जो वो अल्फा पार्टिकल मार रहे हैं उसके ऊपर, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 out of 10,000 अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट या रिट्रेस करा अपना पाथ। अब इससे बहुत सारे कंक्लूजन है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि मास सिर्फ सेंटर में कंसंट्रेटेड है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज थे वो भिड़ के पीछे चले गए, बाकी अल्फा पार्टिकल यूं ही निकल गए। मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ स्पेस है वो खाली है और मेजॉरिटी ऑफ मास जो है वो कहां पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर में है। तो ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को नहीं समझा पा रहा था, क्योंकि ये कह रहा था मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो सेंटर पे था मास कंसंट्रेटेड, तो ये तो गलत हो गई ना बात, आप नहीं डिफाइन कर पा रहे उस चीज को। तब तक इनको नोबेल प्राइज मिल चुका था, ये एंजॉय कर रहे थे जिंदगी को, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका था। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि इन्होंने क्या खेल रच दिया था, इन्होंने क्या किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में प्लेस कर दिया। ही प्लेस द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, और यहां पर यह भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक है। अब अगर मैं पुडिंग की बात करूं तो वहां पर तो स्टैटिक होते हैं, तो इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन स्टैटिक थे। अब दिक्कत यहां पर यह है कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ में प्लेस कर दिया है तो यहां पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगे। अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब समझ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे सिस्टम में कियोस क्रिएट हो जाएगा, एटम में कियोस क्रिएट हो जाएगा, एटम स्टेबल नहीं होगा। जबकि हमें पता है कि दुनिया में अभी जैसे यहां पर ये चीज मैटर से मिलके बनी है तो ये स्टेबल है, ऐसा तो नहीं है एटम कूद रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ये स्टेबिलिटी को नहीं डिफाइन कर पाए, और जो आपका पॉजिटिव स्फीयर और इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट था वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं डिपिक्ट किया गया था, ये एक्सप्लेन किया गया था, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है तो वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो जाएंगे। आपको पता है बैलेंस्ड फोर्सेज एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस होती थी कोई चीज उसी स्टेट में रहती, इधर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इधर इन द स्टेट ऑफ मोशन रहेगी, बट अनबैलेंस फोर्सेस होने की वजह से सिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं रहता। तो हमें तो पता है एटम स्टेबल था। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे हमारे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के। दैट वाज नो डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन अबाउट न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस आर प्लेस्ड इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जिस वजह से अनबैलेंस्ड फोर्सेस बचा लो क्रिएट होगी एंड इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। व्हाइल वी नो एटम इज स्टेबल, हमें क्या पता था, हमें पता था वी नो एटम इज स्टेबल, भाई एटम स्टेबल है ना, हमें तो ये पता है। अब सबसे पहले स्टेबिलिटी किसने डिफाइन किया था वो भी हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए अब हमने जितना पढ़ा उसको मेंटी की दुनिया में चलकर हम फटाफट से सॉल्व करते हैं, फटाफट से मेंटी की दुनिया में चल लेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा, जो बच्चे कह रहे थे कि हमें फन फैक्ट बता दीजिए, वो आपको बता देता हूं। जे जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था इन फिजिक्स इन 1906 फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रदरफोर्ड को मिला था 1908 में फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी, ही गॉट द नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री इन 1908 एंड अगेन फिर फिजिक्स में 1935 में नोबेल प्राइज मिला था जेम्स चैडविक को। किसको मिला था, जेम्स चैडविक को, किस चीज के लिए, फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स।
ठीक है, तो प्लीज इस चीज को याद रखिए। जेजे थॉमसन वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1906 ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रदरफोर्ड को रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला था 1908 में, एंड जेम्स चैडविक को 1935 में मिला था। जेजे थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जेम्स चैडविक। ये खतरनाक सा काम किया था एक टीचर के स्टूडेंट ने और फिर उस टीचर के स्टूडेंट ने, मतलब खतरनाक कॉम्बिनेशन है, टीचर स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट। चलिए फटाफट से आएंगे हम भी कुछ खतरनाक और तगड़ा सा करेंगे, जल्दी से आएंगे मेंटी की दुनिया में। फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और मैं आपको लेके चलूंगा मेंटी के इस प्यारी सी दुनिया में, जहां पर आप सभी लोगों का होगा बहुत ज्यादा स्वागत। जल्दी से फटाफट से देख लीजिए क्वेश्चन को, फटाफट से देख लीजिए और मैं आपको लेके चलूंगा फिर मेंटी की दुनिया में। द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वॉज प्रपोज बाय, चलिए तो आ जाइए menti.com पे बच्चा लोग, यूज द कोड 8499956, 8499956, यू हैव टू यूज द कोड दिस, यू हैव टू यूज दिस कोड, जल्दी से आ जाओ, गो टू menti.com एंड यूज द कोड 8499956। अपने दोस्तों को बुला लो, भाई बहन रिश्तेदार सबको बुला लो, भाई अपने सारे स्कूल फ्रेंड्स को बुला लो, कोई भी नहीं छूटना चाहिए इसमें। फटाफट से बी क्विक बी फास्ट, जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे, जल्दी से सारे दोस्तों को बुला लो, मेरे भाई मेरे मेरा प्यारे मेरे बच्चों, फटाफट से सारे दोस्त भाई बहन रिश्तेदार सबको बुला लो फटाफट से, जिसको भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है आ जाओ जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर यू किड्स टू ज्वाइन, गो टू menti.com एंड यूज द कोड 8499956, जल्दी से आ जाओ सारे के सारे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस menti.com वाला क्विज, गो टू menti.com एंड यूज द कोड 8499956। बच्चा बच्चा लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाओ, और बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बिकॉज आप ही हो जो इस वीडियो को आगे तक लेके जाओगे, यू पीपल हैव द पावर टू डिसेमिनेट दिस वीडियो। ठीक है तो चलिए हमारे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस मेंटी सेशन। चलिए सुनील सर तो चालू कर दीजिए फटाफट से। द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वॉज प्रपोज बाय, सभी प्यारे बच्चों को पता है, जल्दी 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 और बच्चों को बुला लो, गो टू menti.com एंड यूज द कोड 8499956। 25 पीपल हैव आंसर्ड दिस करेक्टली, मजा आ गया एकदम खतरनाक ऑसम रिस्पॉन्सेस, तो देखते हैं किसने किसने किया है फटाफट से। ओके एंड वी हैव, बहुत बढ़िया संचित, हाई फाइव सर, दिव्य इज द बेस्ट स्टूडेंट एवर, हर्ट स्ट्रॉम, अविनाश, इसरो, शक्तिमान, शंकर, सोमनाथ, नियो, जेल्टन, व्हाट इज दिस जेलाटन, हाउ यू सपोज टू प्रोनाउंस दिस, जेलाटन और जेल्टन, एजे, बहुत बढ़िया। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, बच्चा लोग जल्दी से आ जाओगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ये रहा सेकेंड क्वेश्चन, फटाफट से करोगे आंसर। Which of the following correctly depicts Thomson's model of an atom? देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए मेरे पास, फटाफट से फटाफट से फटाफट से जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट गाइस, ग्रेट गाइस, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस, जल्दी से गो टू menti.com एंड यूज द कोड 8499956, जल्दी से सबको बुला लो, बी क्विक बी क्विक बी क्विक बी क्विक बी क्विक, जल्दी से करेंगे आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत सही 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 बहुत सही। चलिए ये है ना मस्त क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा मजा आएगा आपको, छोटे छोटे टॉपिक्स पे भी इतने क्वेश्चन कर लोगे कि भाई चैप्टर एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगा, फिर कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा ना आप छक्का ही मारोगे उस पे। ठीक है चलिए, सो द टाइम इज अप एंड लेट्स सी, 29 पीपल हैव आंसर्ड दिस करेक्टली, मजा आ गया, बहुत खतरनाक, बहुत ही ऑसम, बहुत ही तगड़ा, तो देखते हैं किसने किसने सही किया है। मेंटी के लीडर बोर्ड पे आ जाओ फटाफट से, एंड संचित फॉलोड बाय शक्तिमान, सोमनाथ, अविनाश, इसरो, शंकर, सृष्टि, कूल, टेडी गुप्ता, नेमो, दिव्य इज द बेस्ट स्टूडेंट एवर, अनुराग, बहुत बढ़िया। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, रेडी हो जाओ,
तैयार हो जाओ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी से फटाफट से देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Identify the only subatomic particle which was mentioned in Thomson's atomic model. भाई Thomson के atomic model में कौन सा subatomic particle mentioned था? मैं सबके solutions भी आपको दूंगा, tension मत लो। Discuss करेंगे अभी हम PPT में। फटाफट से तड़ातड़ 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 मारेंगे answer। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, जल्दी से करेंगे answer, फटाफट से करेंगे answer, be quick, be fast। बहुत बढ़िया, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर अभी तक किसी को मेंटी कोड नहीं मिल रहा है तो गो टू मेंटी डॉट कॉम एंड यूज द कोड 8499956। जल्दी से 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 प्यारे प्यारे बच्चे करेंगे आंसर, करेंगे आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खतरनाक ताबड़तोड़। भाई इस वीडियो को वायरल करा करो यार, शेयर करा करो अपने दोस्तों के साथ, स्कूलमेट्स के साथ, सबके साथ, ठीक है। सो 29 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड दिस करेक्टली, बहुत सही बच्चा लोग। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल इसमें मेंशन्ड था? इट वाज इलेक्ट्रॉन, इट वाज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए तो बहुत सही, संचित सोमनाथ शक्तिमान सृष्टिकुल कृतगन गोप्रे बेस्ट नेमो एजे अविनाश इसरो हर्षिता एंड रोहित। तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, लीडर बोर्ड पे नजर मार लो। अगले क्वेश्चन पे बच्चा लोग हम चलते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तड़न। इन थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द मास ऑफ एन एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब थर्ड वाला और सेकंड वाला इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ इज इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज द एटम। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस के थ्रू भी आप कर सकते हैं, देखिए आप समझ जाएंगे। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट से करेंगे आंसर, बिना रुके बिना थामे जल्दी से आंसर करेंगे प्यारे प्यारे बच्चे। बी क्विक बी फास्ट, जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से बिना रुके बिना थामे। किसने रॉन्ग कर दिया? कृतुगन ने रॉन्ग कर दिया। कृतुगन क्यों रॉन्ग कर दिया? सृष्टि बेटा अभी डाउट सारे मैं लूंगा आप लोगों के, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। जिसको भी जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा, ये अभी मैं कराऊंगा, सारे सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा तो पूरा एकदम रॉक सॉलिड हो जाएगा। ओके, 14 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड दिस करेक्टली, मतलब इस वाले पॉइंट को हमें डिस्कस करना जरूरी है, हम करेंगे अभी, करेंगे पीपीटी में, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उससे पहले एक बार हमारा लीडर बोर्ड अब थोड़ा सा हिलडुल सा गया है मुझे लग रहा है। एंड वी हैव सोमनाथ एजे संचित सृष्टि कृतुगन दिव्य धोनी गौरांग नेमो अविनाश इसरो। बहुत बढ़िया प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम दौड़ते हैं। चलिए फटाफट से देखेंगे बच्चा लोग, फटाफट से देखेंगे आंसर फर्स्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। बच्चे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, कौन सा मॉडल कहते हैं? फटाफट से बता दो, बिना रुके बिना थामे आंसर करेंगे। चलिए चैट में बच्चे आंसर भी लिख रहे हैं, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे प्यारे प्यारे बच्चे बिना रुके बिना थमे। बहुत बढ़िया बहुत सही बहुत बढ़िया बहुत सही, खतरनाक ऑसम। चलिए 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 बहुत सही बहुत बढ़िया। थ्री टू वन एंड टाइम इज अप बच्चा लोग। सो 30 पीपल हैव आंसर्ड दिस करेक्टली, खतरनाक ऑसम। तो इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो एक बार फाइनल लीडर बोर्ड की तरफ मार लेते हैं नजर,
कौन है सबसे ऊपर, मार लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आज फटाफट से. सो हु इज एट द टॉप, वी हैव हु इज एट द टॉप, सोमनाथ द शिनिगामी. वाओ ग्रेट बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग 4951 पॉइंट्स. ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चा लोग. तो चलिए सुनील सर अब डिस्कशन कर लेते हैं सॉल्यूशंस का. बिल्कुल बच्चे हम डिस्कशन करेंगे आप, ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वॉज प्रपोज बाय जे जे थॉम्सन अंकल, है ना. सो ही प्रपोज दिस मॉडल इन 1904. और जब भी आपको याद नहीं आए तो ये पुडिंग को खा लीजिए. इसके अंदर ये प्लम होते हैं, ये देखिए सीड्स होते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट ये रहे, इनको भी खा लीजिए तो याद रहेगा. तो ये मॉडल जो है जे जे थॉम्सन अंकल का है, ठीक है ना बेटा. चलो खाते खाते पढ़ाई भी हो गई, पढ़ भी रहे हैं हम, खा भी रहे हैं और एनर्जी भी मिल रही है, चलिए बहुत मजा आ रहा है. अब इसमें से थॉम्सन का मॉडल कौन सा है सुनील सर? भाई ये देखो यहां पर ये किसको डिपिक्ट करेगा, ये बताएगा पॉजिटिव स्फीयर को. और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये एम्बेडेड जो है इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ये वाला, ये वाला, ये तो आपका क्या है, ये डेल्टन ने बोला था, ये बोहर अंकल का है और ये रदरफोर्ड अंकल का है. यह हम अगली आने वाली क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. चलिए, आइडेंटिफाई द ओनली सब एटॉमिक पार्टिकल दैट वाज मेंशन्ड इन थॉम्सन एटॉमिक मॉडल. तो क्या था, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन था. क्या था, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन था. ना प्रोटॉन का नाम लिया, ना न्यूट्रॉन का नाम लिया, ना अप क्वार्क का नाम लिया. अप क्वार्क क्या होता है, ये क्वार्क्स कैटेगरी को बिलोंग करता है. ये भी एक तरीके का एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल आप इसको कहते हैं. क्वार्क कैटेगरी का सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल जो है वो यही होता है. एक प्रोटॉन में दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है, एक न्यूट्रॉन में दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क होता है, ठीक है. चलिए, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. तो इसमें किसकी बात की गई थी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई थी, ठीक है. अब ये वाले स्टेटमेंट में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी कि कौन कौन सा सही है. देखिए मैंने बताया था मास ऑफ एन एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल सही है. मैंने यही तो बताया था कि थॉम्सन ने बोला था कि मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. उन्होंने ये बोला था कि पॉजिटिव स्फीयर पूरी तरीके से प्रेजेंट है, वो जैसे कि आपका वाटरमेलन रेड एडिबल पार्ट और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हर जगह जैसे सीड्स प्रेजेंट है चारों तरफ वैसे वो प्रेजेंट है. तो पॉजिटिव स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट. और जो मेजरली मास है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो नहीं है, पॉजिटिव स्फीयर की वजह से ही है. इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे, बिल्कुल माइन्यूट सा. तो उन्होंने कहा था मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यही तो रदरफोर्ड को दिक्कत हुई कि रदरफोर्ड ने बोला मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. उनके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजंस की मदद से हमें पता चलेगा, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे. एंड द पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल सही बात है. पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इसीलिए तो मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था. समझ में आ रही बात. जबकि उन्हें यह पता था कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम में हमें पता है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है. तो अभी हमें पता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन का मास था उन्होंने बोला हाइड्रोजन एटम के मास से 1840 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली कम है, तो वो नेग्लिजिबल है. और जो मेजरली मास होगा एटम का वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से या पॉजिटिव स्फीयर की वजह से होगा, ओवर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट इच अदर टू स्टेबलाइज कैसे करेंगे, नेगेटिव चार्जेस कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेलिंग करेंगे. तो 1, 2, and 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. समझ में आ रही बात. क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं. तो सभी को पता है इसमें क्या एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत है. यू नो दैट इट इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर क्या बोलते हैं सुनील सर इसको बेटा, हम बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल. ये दोनों इसके नाम है, ठीक है. तो इस तरीके से हमने डिटेल में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया, फिर कल हमने एनोड एक्सपेरिमेंट के बारे में, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया, आज हमने थॉम्सन एटॉमिक मॉडल को डिटेल में डिस्कस किया और उससे उसके जो ड्रॉबैक्स है उसको डिस्कस किया, और हमने मैथमेटिक्स पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया. तो हमने क्वेश्चन भी अच्छे खासे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम थ्योरी भी हम अच्छे खासे तरीके से पढ़ रहे हैं. तो अब आप एक काम कीजिए फटाफट, अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए. इस पर मैं क्विज लूंगा, इस चैप्टर का पूरा एक डिटेल्ड सा क्विज होगा. जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसका एक क्विज हो जाएगा, और कल सुबह भी मैं एक क्विज लूंगा 5 questions का, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसका, ठीक है. सो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम क्विज खेल सके.
अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप support@gopura.co पे आप मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड एक और चीज बच्चा लोग जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ आप इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चले कल बेटा आपकी क्या होगी, एनटीएससी की क्लास लूंगा मैं, वहां पर एटम्स मॉलिक्यूल्स का पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कल वाले पार्ट में भी आइएगा आप, तगड़ा वाला मेंटी क्विज़ हम खेलेंगे और सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व डिटेल में करेंगे। ठीक है, अदर मॉडल्स के बारे में जो है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, जैसे प्लेनेटरी मॉडल जो है, न्यूक्लियर मॉडल जो है, जो कल मैं रदरफोर्ड पढ़ाऊंगा तब मैं वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए यस, मेंटी पार्ट इज डन, मेंटी हो चुका है बच्चा लोग, तो अब हमको ये सेशन एंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए बच्चा लोग, जय जय गोप्रे बोलते रहिए, इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, मेंटी कल होगा, मेगा मेंटी करवाएंगे कल और बहुत ही खतरनाक तरीके से मजे करेंगे। ठीक है, I will share the timings with all of you. मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप आ जाइए, मैं वहां पर सारी चीजें शेयर कर दूंगा। गोप्रेप 9th के चैनल पे आप आ जाइए, टेलीग्राम का जो है वहां पे सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर हो जाएगी। क्विज सुबह होगा मेरे खुद के पर्सनल ग्रुप पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय जय गोप्रेप बोलते रहिए।